मॉर्निंग एलकेजी क्लास, सब्जेक्ट है बच्चों आपका मैथ्स, और इसमें देखिए आज है आपकी काउंटिंग लर्निंग नंबर 51 to 100। तो इसमें ध्यान से देखिए आप, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे काउंटिंग लिखी है 1 to 50 आप पढ़ चुके हैं और आज आपका 51 to 100 है। तो इसको सबसे पहले आपको प्रेस करके लिखना है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60। यहाँ पे देखिए नीचे कॉलम बने हैं, तो यहाँ पे आप 51 लिखिए, फिर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस सारे कॉलम्स में इनको लिखना है। तो एक बार मैं काउंटिंग पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ बोलेंगे 51 to 100 तक, ध्यान से सुनिएगा। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। जैसे मैं फिंगर रख के पढ़ा रही हूँ, आप भी ऐसे ही पढ़िए। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100। तो ये आपकी काउंटिंग है 51 से और 100 तक की आपकी काउंटिंग है। तो यहाँ पे जो ये पहले आपको इसको ट्रेस करके लिखना है, ये लाइंस, इनको सबको ट्रेस करके लिखना है बच्चों। उसके बाद देखो इसमें ये कॉलम क्या करने, इन कॉलम्स पे आपको इनको लिखना है। ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, ये वाली लाइन का यहाँ आ जाएगा, ये वाली लाइन का इधर, ये वाली लाइन का इधर, ये वाली लाइन का इधर। तो पेज नंबर है आपका इसमें 20, तो 20 नंबर पेज पे आपको इसको करना है। अब देखिए इसको तो आपको बुक में करना है, इसमें देखिए मैंने आपको कॉपी में भी दिया है, आपको इस तरीके से क्या करना है, लिखना है फर्स्ट लाइन पे इधर से 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ये मैंने इसलिए दिया आपको कॉपी में ताकि आपको कॉलम्स के अंदर लिखना आ सके। और ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने देखो 51 लिखा है, यहाँ एक कॉलम ब्लैंक छोड़े हैं दो, और फिर यहाँ पे 61 स्टार्ट हुआ आपका, फिर दो कॉलम छोड़े हैं 7, फिर दो कॉलम छोड़ के ये, फिर दो कॉलम छोड़ के, इस तरीके से आपको क्या करना है, कॉपी पे लिखना है। इससे क्या होगी, आपकी कॉपी अच्छी लगेगी और हैंडराइटिंग भी अच्छी बनेगी, और कॉलम्स के अंदर ही डिजिट को बनाएंगे। ये आपका आज का काम 51 to 100 काउंटिंग, और ये आपको बुक्स में करना है, पहले ट्रेस करना है, फिर कॉलम्स के अंदर आपको लिखना है।